हंस दिया इतना। नहीं नहीं वो शरीफ है बेचारा। नहीं ऐसा कोई नहीं था, आपको नहीं पता। ओ तो जय शंकर दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। आज मैं किसी स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, आज मैंने किया है ऑफ। उसका एक बड़ा खतरनाक रीजन है, वो मैं लास्ट टाइम बताऊंगा। कल वाला ब्लॉग है वो ड्रॉप कर दिया था, तो बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो इसलिए मुझे कैमरा बाहर लेके जाना ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ। कंटिन्यूटी टूट गई मेरी। वैसे हमारा डांस वाला चैनल भी कल से एक्टिवेट हो गया है, पर कल मैंने डांस वीडियो डाली थी प्रॉपर 1.5 मिनट की, और आज मैंने शॉर्ट डाला है। कल फिर शॉर्ट डालूंगा, परसों फिर शॉर्ट डालूंगा, फिर एक डांस वीडियो डालूंगा, फिर शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, फिर डांस वीडियो, ऐसे कंटिन्यू आएंगे हमारी वीडियो। तो फिलहाल मैडम पाउडर क्रीम कर रहे हैं भाई, दुकान है जाना है फिर भी देखो। इसी पे पैराशूट से लगाया, मैं कुछ नहीं लगा। ओ भाई ओए, अभी सुबह के 8 ही बजे और धूप देखो, मेरी आंखें निकल रही है। मुंह पे गालियां लग गया। फुफर अपना पहले भी गेट खोल जाके, ये डेली यहाँ खड़े हो जाते, ऑर्डर मारते गेट खोल। कल यहाँ पेंट हुआ है, नहीं नहीं बनी बुरी दुकान पहले तो बड़ी बुरी हालत है, इसने पेंट फुन कराया। आज में भी मैटिंग काम भी हो जाएगा, कल मैटिंग वाले भैया भी नाम लोग ले गए हैं। लोकेशन तो ये रही, उतरा रोड के चौक पे है सामने पीपल के पेड़ के पास। फिलहाल इसने सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह सारा कर दिया है, सफाई के मामले में सफाई इसको कोई भी करने वाला नहीं है। A few moments later, तो चलिए गाइस चलते हैं। दादा हम पहुंच चुके हैं रूम पे, तो आज का दिन ना बोर ही जाएगा क्योंकि किसी स्कूल में नहीं गया, आज का दिन लंबा ही होने वाला है। तो आज मैंने बड़े सारे काम किए हैं, तो पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया डांस विद मी, फिर मैंने फेसबुक पे वही नाम बनाया डांस विद मी, अब मे बी यूट्यूब में सोच रहा हूँ कौन सा नाम रखूँ चैनल का, क्योंकि अब मैं जो भी मैं ये अकाउंट बनाया इन पे डेली डेली वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डाला करनी, जो भी हम डांस वीडियो निकालेंगे मतलब हर सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हो जाऊंगा खतरनाक तरीके से। A few moments later, मैं जा रहा हूँ अकेडमी क्योंकि कशिश मेरा वहाँ पे वेट कर रही है, मैं और कशिश आज 5-6 शॉर्ट बना लेंगे। तो फिलहाल मैं अकेडमी पहुँच चुका हूँ, मुझे लग रहा है कशिश आ गई है। आ गई होगी शायद, लाइटिंग वोटिंग चल गई अंदर की। ये तो आ चुकी है, कब आया आप? ये भी आ चुकी है, अब करते हैं अपनी रील्स की शूटिंग जितनी की है, तो 5-6 सोची आज बनाने की, चलिए करते हैं स्टार्ट। A few moments later, तो फिलहाल गाइस अभी हमारा शूट तो हो चुका है, हमने नया इंस्टाग्राम ओपन किया है डांस विद मी 33, तो सर्च कीजिए फॉलो कीजिए, आपको डेली ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग रील देखने को मिलेंगी। A few moments later, फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पार्क, और पार्क में आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, ज्ञान सुनिया एंटरटेनर है वो हमारा। वैसे एक चीज दिखाता हूँ, सूर्यांश ने नई चीज सीख ली है, ये देखो सीख लिया लड़के ने। गौरव दिखा क्या सीखा आज नया। ओ पापो इज बैक। यहाँ पे हमने डांस किया बच्चों के साथ, ये हमारे स्टूडेंट ही है। तानी मुझसे पूछ रही है कि आपके बाल एक जैसे क्यों रहते हैं झुंझे की तरह, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि अभी इसमें अगली बार अगले सीजन में इसमें लीचियां लूचियां आम में लगेंगे। वो सारा मुंह बोल के हंस दिया इतना। नहीं नहीं वो शरीफ है बेचारा। नहीं ऐसा कोई नहीं था, आपको नहीं पता। ओ हम सारे थी मुंह बोल के चलते हैं रूम में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रूम में, तो गाइज आज का दिन मस्त था, मैं सिर्फ स्कूल नहीं गया था, उन्होंने बुलाया था, बट क्या सीन हुआ कि वो टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे थे, पिछले मतलब हर महीने उनकी सैलरी 15-20 दिन लेट आती थी। उनको बोला अगर ऐसे रहा तो मैं नहीं आ रहा स्कूल में, तो कभी आई नहीं भाई, इतने सारे स्कूल अभी मेरे पास पेंडिंग में ना, जाने का मौका नहीं मिला ना मुझे टीचर मिला, और उनको भेज दूँ तो मैं अभी उनको वैसे बोला कि आऊँगा आऊँगा, तो उनको बता दिया कि मैं आपसे नहीं आ रहा। फिर सर का कॉल आया कि जा जा यार आ जा, हमें याद ही नहीं रहता ये वो, मतलब वो आप याद रखना पड़ेगा ना,
अपने टीचर रखे थे, आपको याद रखना पड़ेगा सैलरी के बारे में। ना वो यार याद रखते हैं और ना वो बोलते हैं, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं। मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैं नहीं आऊँगा जैसे वैसे, तो फिर मैंने इतने साथ बुटीक चला गया, तो सर के कॉल आए थे, 5-6 कॉल आए थे, बोलते आज ये आए नहीं आप ऐसे वैसे। तो मैंने बोला सर अगर टाइम से सैलरी सूल नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊँगा स्कूल, की कमी आपको पता ही है ही नहीं। मैंने आप लोग देते रहे क्योंकि हर स्कूलों में मेरे इंटरव्यूज होते हैं। अब मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए ना स्कूल में, मेरा ऑलमोस्ट एक भी स्कूल में इंटरव्यू फेल नहीं गया। मतलब जहाँ भी मैं डेमो या इंटरव्यू दूँ अपना वो रख ही लेते हैं, वो पता नहीं क्यों, समझ रही हो ना। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने आज तक 10 से 12 स्कूलों में डेमो दिए, उन्हें ऑलमोस्ट सब ने रख लिया है, पर मुझे टाइम नहीं लगता है। मैं उनको बोलता रहता हूँ कल आऊँगा, फिर आऊँगा, अगले मंथ आऊँगा, अगले मंथ आऊँगा, अगले मंथ आऊँगा। आज का दिन काफ़ी लंबा गया क्योंकि मैं जब फ्री होता हूँ तो दिन लंबा ही लगता है। तो ठीक है दोस्तों, लेते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।